हे hey फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से फायर टेक एंड सेफ्टी में। आज हम जानेंगे कि क्या क्या हजार्ड मौजूद होते हैं ऑयल एंड गैस रिफाइनरी के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम समझते हैं कि रिफाइनरी आखिर होता क्या है। रिफाइनरी इज ए फैसिलिटी वेयर रॉ मटेरियल्स सच एज क्रूड ऑयल आर प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूबल कंपोनेंट्स और कन्वर्ट देम इंटू यूजेबल प्रोडक्ट्स लाइक फ्यूल्स और केमिकल्स। ऑयल एंड गैस रिफाइनरी या पेट्रोलियम रिफाइनरी एक प्रोसेस प्लांट होता है जिसमें क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल को अलग अलग प्रोसेस के जरिए पेट्रोल, डीजल, एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल और अन्य उपयोगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान रिफाइनरी के अंदर क्या क्या मुख्य रूप से हजार्ड मौजूद होते हैं। तो पहला जो है फायर हजार्ड, फायर इन स्टोरेज टैंक, टैंक, ट्रक एंड वैगन। सेकंड, पंप। थर्ड, इलेक्ट्रिक पैनल। फोर्थ, हीट एक्सचेंजर। फिफ्थ, रिएक्टर्स। सिक्स्थ, फर्नेस। सेवंथ, कॉलम्स एंड वेसल्स। इन सारी जगहों पर फायर हजार्ड मौजूद होते हैं रिफाइनरी के अंदर। नेक्स्ट जो हजार्ड है वो है एक्सप्लोजन हजार्ड। एक्सप्लोजन किसी भी स्टोरेज टैंक, ट्रक एंड वैगन। सेकंड, फर्नेस। थर्ड, रिएक्टर। फोर्थ, कॉलम। फिफ्थ, बॉयलर। सिक्स्थ, गैस सिलेंडर। तो इन सब जगहों पर रिफाइनरी में एक्सप्लोजन का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट जो हजार्ड है वो है टॉक्सिक गैस हजार्ड। कुछ एग्जांपल हैं टॉक्सिक गैस के, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया एक्सेट्रा। ये सारी गैसेस प्रेजेंट होती है रिफाइनरी के अंदर। नेक्स्ट जो हजार्ड है वो है केमिकल हजार्ड। उससे जो पोटेंशियल हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं केमिकल हजार्ड से, वो है पहला वन, दूसरा रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, तीसरा कैंसर, चौथा ऑर्गन डैमेज, पांचवा स्किन इरिटेशन। अब कुछ हम केमिकल के नाम देखते हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, चौथा कैटलिस्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो हजार्ड रिफाइनरी के अंदर जो होता है वो है कन्फाइन स्पेस हजार्ड। कन्फाइन स्पेस के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, टॉक्सिक गैस प्रेजेंट, फ्लेमेबल गैस प्रेजेंट, लो लाइटिंग, फायर एंड एक्सप्लोजन, टेम्परेचर एक्सट्रीम हाई एंड लो, ये सभी मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हजार्ड जो कि है इलेक्ट्रिक हजार्ड। इलेक्ट्रिक हजार्ड, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम पोसेस रिस्क ऑफ शॉक, इलेक्ट्रोक्यूशन एंड फायर्स। मतलब कि इलेक्ट्रिक के काम के दौरान इलेक्ट्रोक्यूशन यानी बिजली का झटका लग सकता है, फायर हो सकती है, ये सारे एक इलेक्ट्रिक हजार्ड के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट हजार्ड है रेडिएशन हजार्ड। Refineries often use radiography for non-destructive testing. Improper use of inadequate shielding during radiography can result in radiation exposure. Refinery में radiography test होते रहते हैं pipe में leakage को detect करने के लिए, तो उसमें भी radiation से संपर्क में आने का खतरा हमेशा बना रहता है। Next hazard जो है fall from height। देखिए रिफाइनरी के अंदर कई प्रकार के काम चलते रहते हैं, उनमें से एक है कंस्ट्रक्शन वर्क, दूसरा कमीशनिंग वर्क, तीसरा स्टार्टअप वर्क, चौथा शटडाउन वर्क और भी कई अन्य प्रकार के काम रिफाइनरी के अंदर होते रहते हैं। तो उसमें ऊंचाई पे काम करने के दौरान ऊंचाई से गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट हजार्ड है एक्सकवेशन हजार्ड। जैसे कि हमने बात की कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान, कमीशनिंग वर्क के दौरान, स्टार्टअप वर्क के दौरान, शटडाउन वर्क के दौरान और अन्य वर्क के दौरान। एक्सकवेशन मतलब खुदाई का काम हमेशा चलता रहता है रिफाइनरी के अंदर, तो उसमें भी कई प्रकार के हजार्ड मौजूद होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा हजार्ड रिफाइनरी के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो हजार्ड है वो है एक्सेसिव नॉइस हजार्ड। कंप्रेशर पंप्स, एग्जॉस्ट सिस्टम, स्टीम सिस्टम, फ्लेयर सिस्टम, अदर कंस्ट्रक्शन हैवी मशीन एंड इक्विपमेंट्स, तो इन सारे जगहों पर
बहुत ज़्यादा मशीन का और जो भी हमने अभी डिस्कस किए ऊपर, इनका शोर जो होता है बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है, और उसके लगातार एक्सपोजर में आने से हमारे सुनने की क्षमता को कमज़ोर बनाते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ एंड हाइजीन हजार्ड, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बाय इनहेलेशन ऑफ डस्ट गैसेस वेपर्स एंड फ्यूम्स। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब कि डस्ट गैसेस वेपर्स और फ्यूम्स सांस के जरिए अंदर लेने से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, और इसके लगातार संपर्क से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऑल्सो हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस द हाई टेम्परेचर इन सम रिफाइनरी प्रोसेसेस कैन लीड टू हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन एंड रिलेटेड हेल्थ इश्यू फॉर वर्कर्स। मतलब कि रिफाइनरी में प्रोसेस के दौरान हीट से वर्कर को हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन मतलब कि पानी की कमी भी हो सकती है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट हजार्ड, रिफाइनरी में से क्या क्या एनवायरमेंट हजार्ड होते हैं। पहला एयर पोल्यूशन, सेकंड नॉइस पोल्यूशन, थर्ड वाटर पोल्यूशन, फोर्थ सॉइल पोल्यूशन। तो ये सारे पोल्यूशन होते हैं रिफाइनरी के जरिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा हजार्ड है रिफाइनरी के अंदर। नेक्स्ट है व्हीकल हजार्ड, व्हीकल रिलेटेड हजार्ड इन रिफाइनरीज कैन पोज रिस्क टू बोथ ऑपरेटर एंड पेडेस्ट्रियन। मतलब कि रिफाइनरी के अंदर व्हीकल से ऑपरेटर्स और पैदल चलने वाले यात्री दोनों के लिए खतरे होते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल हजार्ड, हैवी मशीनरी, रोटेटिंग इक्विपमेंट्स एंड मूविंग पार्ट्स पोस रिस्क ऑफ क्रश इंजरीज एंड अदर मैकेनिकल एक्सीडेंट्स। मतलब कि हैवी मशीन, रोटेटिंग मशीन एंड इक्विपमेंट्स, मूविंग पार्ट्स, इन सबसे रिस्क होता है इंजरीज और एक्सीडेंट का रिफाइनरी के अंदर। नेक्स्ट हाई प्रेशर लाइंस एंड इक्विपमेंट हजार्ड, फर्स्ट सैंड ब्लास्टिंग, सेकंड कॉपर ब्लास्टिंग, थर्ड हाइड्रोजेटिंग, फोर्थ हाइड्रो प्रेशर टेस्ट, फिफ्थ कंप्रेस गैस एंड इक्विपमेंट्स, सिक्स्थ प्रेशर वेशल्स। तो पूरी वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि रिफाइनरी के अंदर जो 15 टॉप हजार्ड्स है वो ये होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फायर टेक एंड सेफ्टी से रिलेटेड जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने तक ही ना रखें, अपने इस प्रोफेशन में काम करने वाले तक को भी शेयर करें। धन्यवाद।